नमस्कार, मैं हूं शिखा श्रेय और आप देख रहे हैं जीएन भारत। रांची में जो हिंसा हुई है उसको लेकर हर दिन रोज न रोज कुछ न कुछ नए खुलासे पुलिस की तरफ से हो रहे हैं। आपको बता दें कि अब पुलिस एसआईटी टीम जो गठित हुई है, खबरें सूत्रों के हवाले से निकल के आ रही है कि सहारनपुर से रांची में जो दंगा हुआ, आप इस बात को जरा सिलसिलेवार तरीके से समझिए कि असल में हुआ क्या था उस दिन। उस दिन जो दंगा हुआ था, आपने जो पत्थर देखा, 15 से ज्यादातर जो युवक थे वो 15 से 25 साल के बीच के उम्र के थे, यानी कि बहुत यंग जनरेशन को टारगेट बनाया गया, यंग जनरेशन को भड़काया गया, इस्लाम के नाम पर भड़काया गया उन लोगों को, उनको ये लेकिन बात है कि भड़काया किसने। ऐसी बात क्या अब तक निकल के सामने आ रही थी, जो अब तक 2-3 दिन से मीडिया में भी खबरें थी कि नमाज के बाद तुरंत वो बाहर निकलते हैं और पत्थर फेंकना शुरू कर देते हैं, तो क्या नमाज में अंदर जो मौलवी है, जो अगुआ है, वो वही पढ़ाते हैं, उन्होंने भड़काया था कि आपको जाकर, क्या उन्होंने साजिश रची थी सारे दंगा की। लेकिन अब खबरें कुछ और निकल के सामने आ रही है, हम आपको बताते हैं, आप बात को सिलसिलेवार तरीके से समझने की कोशिश करिएगा। जो पुलिस से जानकारी और एसएसपी से जानकारी जीएन भारत को मिली है कि सहारनपुर से 12 लोगों की टीम आई थी, जी हाँ, यानी 12 लोगों की टीम आई थी और वो टीम दंगा भड़काने के मकसद से ही रांची आई थी। जब ये रांची आई तो सबसे पहले यहाँ के होटल और लॉज में रुकी। होटल में लॉज रुकने के बाद उन्होंने उस लॉज में पूरी प्लानिंग प्लॉटिंग की कि कैसे हमें दंगा को रूप देना है, कैसे भड़काना है, किस वर्ग के युवा को हमको अट्रैक्ट करना है, क्या बोलना है। जब होटल में ये सारे प्लानिंग हो गई, उसके बाद तीन टीम बनाया गया, 12 यानी 4-4 का 3 टीम बनाया गया। सारी टीम अलग अलग इलाका गए, एग्जाम्पल के तौर पर एक खूंटी गया, एक हिंदपीड़ी गया, एक गुजड़ी बाजार, इस तरीके का टीम बिखर गई और वहां जाकर उन्होंने टारगेट किया लोगों को। और टारगेट में थे सिर्फ यंग, यानी 15 से जो 25 साल के जो युवा थे, चूंकि आप समझ सकते हैं युवा धर्म को लेकर आज जो परिस्थितियां बनी हुई है, धर्म को लेकर युवा जो है बहुत ज्यादा खून खोल जाता है इनका, थोड़ा यंग जनरेशन होता है, खून में गर्मी होती है, तो इसका इन्होंने एडवांटेज लिया कि यंग जो है बहुत एक्टिव होते हैं, तो इनको टारगेट लिया जाए। 15 से इनको इकट्ठा किया, गली मोहल्ले में गए, खूंटी के गली मोहल्ले में गए, हिंदपीड़ी में गए, ऐसे सारे इलाके में फैल गए। वहां पे गए, उन्होंने हर वर्ग के युवा को इकट्ठा किया और उसके बाद बयानबाजी स्टार्ट की, उनको भड़काया, इस्लाम के नाम पर भड़काया और उनको कहा गया कि देखिए कैसे इंडिया में, भारत में कैसे हमारे साथ जाति हो रही है, धर्म के नाम पर हमें दबाया जा रहा है, हमारा शोषण किया जा रहा है, ऐसे बयान दिए जा रहे हैं, इस तरीके से नाम पे युवाओं को पूरा भड़काएगा, पैगंबर मोहम्मद की कस्में दी गई कि आपको ये सब करना है। और इसके बाद वहां से फिर ये लोग दंगई जो 12 की टीम थी वापस रांची के होटल में आ गई। आपको बता दें कि ये सारा मामला जब मौलवी जो होते हैं मस्जिद में जुमे के नमाज के समय, जब सारे युवा पहुंचे वहां पर नमाज पढ़ने, मौलवी ने, हमें जो जानकारी मिल रही कि मौलवी ने साफ तौर पर इनकार किया था कि आप लोगों को जुलूस नहीं निकालना है, आप लोगों को किसी तरह का कोई पत्थरबाजी नहीं करनी है, आप लोगों को किसी के बहकावे में नहीं आना है। लेकिन चूंकि ये लोग भड़क चुके थे पिछले 10-15 दिन से, आपको बता दें 1 जून से ही ये 12 टीम जो है, 12 लोगों की टीम है सहारनपुर से 1 जून से ही आई हुई है रांची। लेकिन ये बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है हमारे झारखंड के इंटेलिजेंस विभाग पे भी कि 1 जून से दंगा भड़काने की साजिश रची जा रही है, रांची को दहलाने की साजिश रची जा रही है और इंटेलिजेंस ब्यूरो को इसकी खबर नहीं लगती, खुफिया विभाग को इसकी कोई जानकारी नहीं होती। कहीं ना कहीं ये प्रशासनिक विफलता कहीं ना कहीं दर्शाती है ये। इसके साथ ही जैसा हमने आपको कहा, मौलवी ने साफ तौर पर कहा था कि किसी को जुलूस नहीं निकाला, उन्होंने साफ और कहा था कि नमाज खत्म होने के बाद सब अपने अपने घर जाएंगे, ऐसी बातें हुई थी। लेकिन जैसा हमने आपको पहले बताया, वो लोग पूरी तरीके से भड़क चुके थे, यानी कि ऐसा उनका ब्रेन वॉश किया गया था कि किसी, अब किसी का बात उन पर असर नहीं होने वाला था, इसीलिए मौका देकर उन्होंने, उसके बाद जो हुआ रांची जो जला, वो सारे विजुअल्स से लेकर सारे खबर हमने आपको दिखाया है और आपने देखा है, चल चुका। इसके बाद वो जो 12 लोग थे वो तुरंत हिंदपीड़ी माफी पुंदा की तरफ भागे, लेकिन पुलिस के रडार पर है और पुलिस ने उनको धर दबोचा है, गिरफ्तारी नहीं बल्कि पूछताछ चल रहा है, कस्टडी में है वे सब। ये आप समझ सकते हैं पूरे सिलसिलेवार तरीके से समझिए कि 1 जून से लेकर 10 जून ये 9-10 दिन का जो गैप है, इस बीच कितना बड़ा रांची को दहलाने का कितना बड़ा साजिश रचा गया और खुफिया विभाग और पुलिस को इसकी जानकारी ही नहीं होती है, जब पूरा रांची जल के राख हो जाता है। और इसके हमने आपको बताया था कल कि इंटेलिजेंस ब्यूरो ने कहा था कि 150 लोग इकट्ठा होंगे। आप समझ सकते हैं कि प्रशासनिक विफलता कितनी बड़ी है, राज्यपाल भी इस पे एक्शन पे है, आगे की क्या अपडेट है हम अपने दर्शकों को रूबरू कराते रहेंगे। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए जीएन भारत। धन्यवाद। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।